गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका तैयार रहे चीन कह रहा है। अब उस टॉपिक पर मैं जाना चाहती हूँ जेट साहब, जो शायद आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगे, क्योंकि चीन की पहली प्रतिक्रिया आ रही है गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका तैयार रहे, जिसे आप धमकी कह रहे हैं। यही कहा जा रहा था रूस के बारे में साहब, यूक्रेन पर हमला हो गया, एक पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, दुनिया देखती रही, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ हथियार कुछ भेज दिए गए। इसीलिए मेरा अगला सवाल है, जो शायद आपको जेट साहब पसंद ना आए, लेकिन वो सवाल कायम है। हमने देखा कि यूक्रेन पर रूस ने अटैक कर दिया, यही आपकी जो ठनी है अब चीन से, कहीं इसकी वजह से ताइवान पर ना हमला कर दे चीन, क्या इस सिचुएशन को आपने फैक्टर इन किया है इस दौरे के पहले, और इससे क्या हासिल हो जाएगा? चीन को इतना कुरेदना या फिर उसको इतना बौखलाने देना की जरूरत क्या थी जैद साहब? पहली बार मैं ये मजबूर हूँ इस बात पर जोर डालने के लिए कि ताइवान एक तरफ है और यूक्रेन एक तरफ है, और मेरा नहीं ख्याल कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने सिर्फ कई हथियार भेजे हैं यूक्रेन को, हमने और भी बहुत ज़्यादा किया है। बल्कि इस वक्त अगर हम यूक्रेन को देखें तो हम ये देख रहे हैं कि रूस हार रहा है इस जंग को, इंतहाई नुकसान पहुंच रहा है रूस के सैनिक फोर्सेस को, और लग ऐसा रहा है कि यूक्रेन बिल्कुल कभी भी अपने टेरिटोरी को नहीं जाने देंगे। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, जहाँ तक ताइवान है और चीन के धमकियाँ जो हैं, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पेलोसी का एक फैसला था, ये कोई नई बात नहीं है। ये पहली दफ़ा हम नहीं देख रहे कि किसी कांग्रेस के स्पीकर ने ताइवान तक दौरा किया। तो पहली बात तो ये है कि ये हो चुका है, और हम इस वक्त ये देख रहे हैं कि चीन शायद इस बात को लेकर एक बहाना लेकर अब धमकियां दे रहे हैं। Exactly my point, Zed साहब, क्यों बहाना देना है, क्यों कुछ नहीं किया जा सकता था? आप टेरिटरी की बात कर रहे हैं कि यूक्रेन ने टेरिटरीज नहीं लूज किया, वो उनका कुछ आप इसको, यही तो फर्क है, अमेरिका टेरिटरी के तौर पर देखता है, लेकिन क्या आपके पास लिस्ट है उन माओं के, उन बच्चों के, उन परिवारों की जो उजड़ गए हैं? क्या अमेरिका के पास ऐसी लिस्ट पहुंचती है, कितने लोगों की जान उस युद्ध में गई है? क्या इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं किया जा सकता था जैद साहब? जी, मैं एक बार फिर इस बात पर जोर डालना चाहूँगा कि ये फैसला ताइवान के दौरा का सिर्फ और सिर्फ नैन्सी पेलोसी और कांग्रेस के हाथों में था, ये राष्ट्रपति बाइडेन के हाथों में नहीं था। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में हम इन दोनों बातों को एक साथ जुड़ने के लिए मेरे ख्याल में ये सही रास्ता नहीं है कि हम यूक्रेन और ताइवान को एक ही जुमले में हम उसको एक साथ ही हम ले लें, काउंटर आर्गुमेंट बिल्कुल फर्क है। जेड साहब, काउंटर आर्गुमेंट, आप यूक्रेन और ताइवान को एक तरह मत देखिए, लेकिन क्या आप रूस और चीन की हरकतों, उनकी पॉलिसीज को एक तरह नहीं देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में रूस और चीन की, अगर अब ये मैं शायद कुछ ज्यादा ही डिटेल में जाऊंगा आपके व्यूअर्स के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अगर करीब से देखें तो चीन जो है ये दुनिया भर के सबसे बड़ी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर हमने क्लाइमेट चेंज को काबू में रखना है तो ये चीन के बगैर कभी नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल में जो फर्क है रूस और चीन में वो ये है कि चीन जो है वो ये एक पावर है, और उसके बगैर हम अपने जो 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 टारगेट्स हैं वो कभी हासिल नहीं कर सकते। रूस जो है वो बिल्कुल एक दिन पहले तक, इकॉनमी जो है, टोक रही हूँ माफी के साथ, लेकिन एक दिन पहले तक उस युद्ध के अमेरिका कहता रहा कि ऐसा नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, एक दिन पहले तक। बड़ी खबर इस वक्त की, पहले बता दें अपने दर्शकों को, नैन्सी के ताइवान पहुंचने पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया आई है, गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका रहे तैयार, ये चीन ने कहा है। गंभीर परिणाम के लिए तैयार रहे अमेरिका, खतरनाक जुआ खेल रहा है अमेरिका, ये चीन ने कहा है। गंभीर नतीजे की जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी होगी, इसका मतलब समझ रहे हैं सर आप? जब तक पुतिन बोलते थे सर, आप भी रोज समझाते थे ना हमें,
आप भी जी समझाते थे कि जरा ये गीदड़ यहाँ पे, भभकी है, हाँ ये गीदड़ भभकी है। मुझे याद है जैद साहब, आपने मेरे साथ कितने शोज किए, आपने मुझे समझाया था, दर्शकों को समझाया था कि ये तो गीदड़ भभकी है पुतिन की, लेकिन पुतिन ने कर दिया ना। अब यहाँ अगर जी चीन करता है तो क्या अमेरिका इसकी जिम्मेदारी लेगा? अंजान, पहली बात तो ये कि जहाँ तक जो हमला रूस ने किया यूक्रेन पर, वो तो हमने इंतहाई मेरे ख्याल में स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये हमला होने वाला है, बल्कि शायद ये भी एक नैरेटिव चल रहा था उस ज़माने में कि भाई ये हमला कब आ रहा है, आप तो कह रहे थे कि हमला आने वाला है, और हमने देखा कि बिल्कुल हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक हम ठीक कह रहे थे उस वक्त के रूस और पुतिन के क्या इरादे थे। लेकिन ये कहते हुए मैं बिल्कुल इस बात पर एक बार फिर जोर डालूंगा कि यूक्रेन और रूस एक तरफ है, व्लादिमीर पुतिन एक तरफ है, शी जिनपिंग और चाइना और चीन के जो ताल्लुकात हैं ताइवान के साथ और अमेरिका के साथ, वो एक तरफ है। पहली बात मेरा तो ये अगला है सवाल भी कि आपको हम पसंद जी नहीं जी आएगा जैद साहब, मेरा अगला सवाल भी आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल पूछूंगी, ये बताते हुए कि शायद इससे हमारे दर्शक बेहतर समझ पाए जो सिचुएशन। ये आरोप लगता है कि अमेरिका तमाम ताकतवर मुल्क जो उसको चुनौती दे रहे हैं विश्व में, उन सबको युद्ध में झोंकना चाहता है ताकि उनकी हालत खराब हो, जैसा आपने रूस के साथ किया यूक्रेन के जरिए उकसाते रहे, और ऐसा ही अब आप चीन को उकसाकर युद्ध में ढकेलना चाहते हैं। इस पर आपका जवाब? देखिए, मेरे ख्याल में ये राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत ही साफ अल्फाज में कहा है कि जंग और लड़ाई झगड़ा अमेरिका के फ़ायदे में नहीं है, पूरे विश्व के फ़ायदे में नहीं है, और बल्कि हम ये कहते रहे हैं यूक्रेन में भी हमला पुतिन का हमले से पहले होने वाले, हमने बहुत कोशिश की है कि ये हमला ना हो, कि ये जंग ना हो, आगे ना बढ़े। तो यही हम कह रहे हैं अब चीन की धमकियाँ के सामने, कि धमकियाँ देने के बजाय, टेंशन के बढ़ाने से के बजाय, अगर हम इन टेंशन को कम करें तो बेहतर रहेगा।